जैसा कि मैं बोला था, जैसा कि मैं बोला था, शादी पूरी की पूरी बेशर्म और बेहयाइयों से भरी हुई है आज। कितनी बेशर्मी, बोलने के लिए मेरे को शर्म आ रही, बोलने के लिए मुझे शर्म आ रही, लेकिन मजबूरन बोलना पड़ रहा। शादी हुई, शादी हुई, आज पहली रात दुल्हन दूल्हे को कमरे में भेजते हुए वीडियो निकाल लिए। सुबह उठने के बाद इतने बेशर्म, दूल्हे और दुल्हन को जाके पूछते हाथा पैर चले कि नहीं, कहते इतने बेशरम हो गए, वलीमा हलाल है कि बोल के जाके पूछते, ये नहीं हो रहा हमारे माशरे में। इतने बेशरम, वलीमा हलाल और हराम होता कहीं को, मियां बीवी हम बिस्तरी करे तो वलीमा हलाल कहते, हम बिस्तरी नहीं करे तो हराम कहते। कौन बोला, कौन बोला वलीमा हलाल होता इससे हराम होता बोल के, कौन सी हदीस में है, कौन सी कुरान में है। इतने बेशरम हो गए, इतने बेहया हो गए, दूल्हे को सुबह उठने के बाद भाभियां जाके पूछते कहते, क्या आजी देवर क्या तो भी करे कि नहीं, कहते बेशरमी बेहयाई इतनी ज्यादा। हदीस सुना तो मैं ऐसी खाली हवा की बातें नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, जो शख्स रात को अपनी बीवी के पास जाए और सुबह उठने के बाद वो बातें जो अपनी बीवी के साथ किया था, वो हरकतें जो अपनी बीवी के साथ किया था, सुबह को लोगों के सामने बोले, ऐसा आदमी क़यामत के दिन सबसे बुरा होगा। हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सही मुस्लिम की। क्या समझे, हमारी शरीयत हमारी रहनुमाई नहीं करे समझे क्या? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी शर्म व हया वाली बातों को छुपा के रखना बोले। आज इतने बेशर्म, इतने बेहया, नए दुल्हन दुल्हनों को जाके पूछते क्या करा क्या नहीं करा, नहीं करा बोले तो सर पकड़ लेके बैठ जाते, अरे आज वलीमा है रे, हराम का खाना खिलाता कि रे, कुछ भी नहीं करा कहते, वलीमा हराम हो जाता। बेशर्मो कहाँ से सीखे ये बेशर्मी, बेहयाई ये कहाँ से सीखे, अल्लाह के लिए गौर करो। हमारा दीन कितना पाकीज़ा दीन था, अल्लाह के लिए गौर करो। कोई हलाल हराम का मसला नहीं है इसमें, वलीमा का इसका लेना देना नहीं है। हम इस तरीके करने नहीं करने से वलीमा हलाल हराम कोई नहीं होता मेरे भाइयों, याद रखो इस चीज़ को।